नमस्कार, मैं हूं सवा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। उत्तराखंड के 2300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें 93% जवानों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 2382 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5 की जान जा चुकी है। कुछ पुलिसकर्मियों के परिजनों की भी मौत हो गई है। जी हाँ, 2382 पुलिसकर्मी और अधिकारी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। यही नहीं, इन पुलिसकर्मियों के 751 परिजन भी अब तक संक्रमित हुए हैं। कोरोना के कारण अब तक 5 पुलिसकर्मियों और उनके 64 परिजनों की मौत हो चुकी है। अगर परसेंटेज में बात करें तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी 93% संक्रमित हो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन के कारण इनकी जान को खतरा नहीं हुआ है। मिशन हौसला अभियान के दौरान ही ज़्यादातर पुलिसकर्मी और अधिकारी संक्रमित हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पुलिसकर्मी ने पिछले महीने मिशन हौसला लॉन्च किया था। इसके अलावा भी पुलिसकर्मी आम लोगों के लिए राशन, एम्बुलेंस, शवों की अंत्येष्टि आदि में मदद करते रहे। बात करें आंकड़ों की तो मिशन हौसला के तहत 31,814 फोन कॉल केवल मई महीने में ही रिसीव हुए हैं। इसमें 27,026 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, 217 को प्लाज्मा मिला और ब्लड डोनेशन कराया गया। उत्तराखंड पुलिस ने 17,609 को दवाइयां भी उपलब्ध कराई। इनके अलावा 94,484 लोगों को राशन, दूध और पका हुआ भोजन देकर मदद की गई। पुलिसकर्मियों ने 492 कोरोना से मरे लोगों की अंत्येष्टि भी कराई। कोरोना की पहली लहर में भी 1982 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए और 8 की मौत हुई थी। फिलहाल राज्य में कोरोना कर्फ्यू 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों की सेहत के लिए दुआ जरूर करेंगे हम लोग और ये ऐसा अच्छा काम करते रहें। देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया कनेक्ट हमारे साथ।